गाइस, मेरा नाम है संदीप। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हम्बस वेज सलाद। तो चलो आओ शुरू करते हैं कि हम्बस वेज सलाद कैसे बनाते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। और आपको जैसे भूख लगी हो, झटपट भूख लगी हो और आपको कुछ हेल्दी खाना हो तो आप ये बना के ज़रूर खाइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने के लिए। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं हम्बस वेजिटेबल सलाद। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी रहता है और बहुत ज़्यादा जो डाइट को फॉलो करते हैं या हेल्थ कॉन्शियस है तो वो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसके। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम्बस सलाद बनाने जा रही हूँ। तो जो हम्बस फलाफल की जो रेसिपी है मैंने अपडेट की है मेरे इसमें, तो आप इसकी रेसिपी देख सकते हो हम्बस की, तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने कुछ सलाद बना रही हूँ तो कुछ वेजिटेबल्स लिए, तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली ली है एंड शिमला मिर्च लिया है, यहाँ पे रेड कैबेज ली है और कैरेट लिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ मटर के दाने लिए हैं, बीन्स लिया है, तो इसको ग्रीन पीस बोल दें। तो चलो आओ शुरू करते हैं हमारा हम्बस सलाद बनाना। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं अभी ऑलिव ऑयल डालूंगी एक चम्मच। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है और अभी इसमें मैं वेजिटेबल्स डालूंगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं कैबेज ले रही हूँ, इसको हल्का सा सौते करके लेना है हमें, ज़्यादा पकाना नहीं है हमें इसे। और यहाँ पे मैं कैबेज, बीन्स एंड और यहाँ पे तो इसको अभी हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं इसको सौते करके ले रही हूँ एक दो मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो अभी इसके ऊपर हम सबसे पहले नमक डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट नमक आता है ना, मैं वो ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हो। एज इट इज़ मैं थोड़ा इसको राइस के लिए प्रेफर कर रही हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट नमक लूँगी और इसके ऊपर भी मैं ये ब्लैक पेपर है ये डालूंगी मैं। तो गाइस, यहाँ पे हमने सौते करके दे दिया है इसे, तो चलो आओ शुरू करते हैं सलाद बनाना। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम्बस सलाद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए, किशमिश लिए, बादाम लिया, आप काजू भी ले सकते हो, मेरे पास यही चीज़ अवेलेबल है तो मैं यही ले रही हूँ। और इसमें आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो डाल सकते हो। और तो चलो आओ शुरू करते हैं हमारा हम्बस सलाद बनाना। सो गाइस, यहाँ पे मैं हम्बस ले रही हूँ, तो इसको पहले हम प्लेट में डाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसे फैला लेते हैं अच्छे से पर, ताकि थोड़ा ये अच्छे से सेट हो जाए। सो गाइस, ये हमारा अभी हम्बस डाल दिया है हमने, और अभी हम इसमें डालेंगे जो वेजिटेबल सौते किए थे सलाद के लिए वो डालेंगे। तो पहले हम इसे देते हैं, सो गाइस यहाँ पे हमारा फाइनली हम्बस सलाद रेडी हो गया है। और अभी इसके ऊपर हम गार्निश के लिए थोड़ा कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इसके मैंने किशमिश डाला है और बादाम डाल देंगे, तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हो। एज इट इज़ हम सलाद बना रहे हैं तो गुड फॉर हेल्थ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे एक चम्मच मैं वापस से ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। तो गाइस, फाइनली हमारा सलाद बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो हमारा सलाद बनके रेडी हो गया है। जो नहीं जानते हैं मैं उसको बता दूँ, ये हम्बस जो है वो चिकपीस का बनता है और इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो इसकी रेसिपी जो मैंने पहले अपडेट की थी हम्बस की, वो मैं आपको बता दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो।